कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है उसका तकरीबन बजट है तकरीबन आप कर लें 70-80 हज़ार तक या फिर जी लाख तक मैक्स कर लो, तो इस बजट में आप कौन से गेमिंग लैपटॉप उसे रिकमेंड करेंगे जो कि वैल्यू फॉर मनी हो, स्पेक्स भी काफी ज्यादा हाई एंड की हो, तो वो आप हमें उसको बता फिर दें। आपको अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज शहदेव एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो यार काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आपके लिए। क्यों होने लगी है? क्योंकि यार बेसिकली आज मैं जाने लगा हूँ यार लैपटॉप की मार्केट में, और यार आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे कि यार यूज़ गेमिंग लैपटॉप को कवर करो, तो यार मैंने सोचा आज मैं बेसिकली है भी फ्री था, तो मैंने सोचा यार इसी टॉपिक पे एक वीडियो बना दूँ और मार्केट जाऊँ और आपको बताऊँ कि यार यूज़ गेमिंग लैपटॉप की प्राइस है क्या आपको देखने को मिलेंगी मार्केट में। तो अगर आप कोई ऐसा बंदा जो कि यार यूज़ गेमिंग लैपटॉप परचेज करने के बारे में सोच रहा है एंड यू आर वेरी कन्फ्यूज कि यार कौन सा गेमिंग लैपटॉप परचेज किया जाए, तो यार आई विल रिकमेंड कि आज की वीडियो आप एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि यार आज की वीडियो में आपको मैं सारी स्पेसिफिकेशन सारी गेमिंग लैपटॉप की प्राइस बताऊंगा डिटेल के साथ। तो वीडियो स्किप नहीं करना, मेक श्योर वीडियो आप एंड तक जरूर देख लेना। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल प्रूफ होगी। तो यार उससे पहले अगर चैनल पे हो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि यार इन फ्यूचर जब भी मैं कोई ऐसी टेक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए। सो विदाउट फर्दर डिले चलते हैं दुबई प्लाजा। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं जी दुबई प्लाजा ओमेर सेंटर में फिजान भाई की शॉप है यहाँ पर लैपटॉप की। तो आज बेसिकली ना हम लोग कवर करेंगे यूज़ गेमिंग लैपटॉप को। काफ़ी सब्सक्राइबर की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार भाई हमें आप गेमिंग लैपटॉप के बारे में बताएं, उनकी प्राइसेस बताएं, क्योंकि यार मोस्टली लोगों के पास जो मेन इशू होता है ना वो यही कि यार उन्हें लैपटॉप का इतना पता नहीं होता, वो ये कर देंगे गेमिंग लैपटॉप की बंदा परचेस कर रहा है तो एक तो बजट भी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए अच्छा गेमिंग लैपटॉप परचेस करने के लिए। तो इस वजह से मैंने सोचा शॉप पर आएँ और फिजान भाई से खुद सारे जो गेमिंग लैपटॉप उनकी प्राइसेस पता करें, जो कि आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम फिदान भाई, कैसे हैं जी? तो ठीक ठाक फिदान भाई, आज की वीडियो में ना आप हमें ये बताएं ना कि गेमिंग लैपटॉप के बारे में कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है उसका तकरीबन बजट है तकरीबन आप कर लें 70-80 हज़ार तक या फिर लाख तक मैक्स कर लो, तो इस बजट में आप कौन से गेमिंग लैपटॉप उसे रिकमेंड करेंगे जो कि वैल्यू फॉर मनी हो, स्पेक्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई एंड की हो, तो वो आप हमें उसको बता फिर दें। आपको मैं गेमिंग लैपटॉप है उसमें आपको वर्क स्टेशन में प्रेफर करूंगा, तो आप चेक भी करा देना ऑडियंस को जाके पता चले जी जी, वो दिखा दें। 17 इंच में है, एच क्यू प्रोसेसर इसका ग्राफिक कार्ड है। अच्छा 17 वैल्यू फॉर मनी है, इसमें 8 GB रैम है, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगा हुआ, 2 GB का कार्ड है। अच्छा 8 GB रैम, 500 GB हार्ड ड्राइव है, 2 GB ग्राफिक कार्ड है, क्वाड कोर का, क्वाड कोर इसका प्रोसेसर है 3 GHz और गेमिंग के लिए एडिटिंग के लिए बेस्ट लैपटॉप। हाँ बेसिकली जो आपकी वर्क स्टेशन होता है ना वो हैवी काम के जी लिए जी। होता है, अगर आपने हैवी कोई काम करना है ना तो ये वर्क स्टेशन बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, तो आई विल रिकमेंड कि आप इसकी तरफ जा सकते हैं। i7 प्रोसेसर है, बाकी है भी न्यूमेरिक कीबोर्ड, डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है, 1080p डिस्प्ले इसका जी जी 1080p। हाँ और बाकी इसकी बॉडी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है और हैवी जी बुक है, मोस्टली जो इसकी जी बुक सीरीज होती है ना HP की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और हाईली रिकमेंडेड भी होती है, तो इस वजह से आई विल रिकमेंड कि आप इसकी तरफ जा सकते हैं। इसका प्राइस टैग क्या है? ये आपको मिलेगा 80,000 की। 80,000 में कोई कमी पेशी हो जाएगी अगर कोई आता अगर है? स्पेक्स नॉर्मल करें उसमें कमी पेशी आपको तकरीबन 70 तक मिल जाएगी। 70 तक मिल जाएगा। 8 GB रैम, अच्छा 500 GB हार्ड, 2 GB ग्राफिक कार्ड, गेमिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये आपको हर टाइप के लिए यूज कर सकते हैं, इसमें GPU अच्छा लगे, इसमें 2 GPU फैन लगे हुए। अच्छा एट अ टाइम 4 RAM है इसमें लगती है, 4 RAM वही ना मैंने आपको SSD हार्ड ड्राइव अलग सकती है, अच्छा। नॉर्मल हार्ड ड्राइव अलग लग सकती है, इसमें आप हर तरह का काम यूटिलाइज कर सकते हैं। वही ना मैंने आपको बताया ना जो नहीं आपका वर्क स्टेशन होता है ना वो बेसिकली होता ही हैवी टास्क के लिए, अगर आपने हैवी टास्क परफॉर्म करने देन आई विल रिकमेंड कि आप वर्क स्टेशन की तरफ जा सकते हैं। और ये रफ एंड टफ मशीन है, वही ना जैसे मर्जी आप इसको यूज करो। तो बाकी अगर एक बंदे का बजट, हाँ वही ना थोड़ा अब अगर थोड़ा एक बंदे का बजट ज़्यादा है तकरीबन 1,10,000 से 1,20,000, क्योंकि मेरी तरफ ऑडियंस काफ़ी पूछती है कि यार हमारा बजट तकरीबन 1,00,000 तक 1,20,000 तक है, तो उन्हें पता नहीं होता कि कौन सा लैपटॉप एक अच्छा ऑप्शन है, तो वो आपको ही बता फिर दें। आप इसके अलावा डेल में एलियन वेयर की एक है। अच्छा एलियन वेयर, ये तो बेसिकली आई गया आपकी गेमिंग सीरीज सारी है। ये भी आप व्यूअर्स चेक कर सकते हैं। i7 6th generation में। अच्छा i7 6th, तो इसका डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड कौन सा इसमें लगा हुआ है? इसमें ग्राफिक कार्ड लगा 1060 का।
इसमें एनवीडिया जी जी एनवीडिया अच्छा 4GB का ग्राफिक कार्ड है, इसमें है 16GB रैम, 256 SSD, 4GB ग्राफिक कार्ड है डेडिकेटेड, एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली हो जाते हैं। तो ये भी आप इसकी प्राइस क्या आपने बताई है? अच्छा 150, ये थोड़ा कॉस्टली है वैसे। जी जी, इसकी ग्राफिक्स की चिप अच्छी लगी ना, 1060। अच्छा हाँ, वो इसका प्रोसेसर भी अच्छा, i7 6th generation है। तो क्वाड कोर है क्या? ये क्वाड कोर हेक्सा कोर है। अच्छा हेक्सा कोर है। और एम कैशे इसके कितने हैं? इसमें 8MB कैशे। अच्छा 8MB, तो आपको डेटा एक्सेसिंग की जो स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलेगी, क्योंकि 8MB कैशे हैं, उसके बाद क्वाड कोर है, i7 है, 6th generation है, जो ग्राफिक कार्ड है डेडिकेटेड वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो प्राइस आपने 1.5 लाख बताइए? 150। तो बाकी थोड़ा बहुत कम कर देंगे, आप इनके पास आ सकते हैं, इनकी शॉप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप और मॉडल आपको दिखाऊं डेल का, ये 960 कार्ड के साथ है। आपके पास जो भी अभी आपके पास पड़े ना गेमिंग लैपटॉप, तो वो आप सारे दिखा दें, जो एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो और मतलब कि अच्छी ऑप्शन हो ऑडियंस के लिए। डेल का है, 960 कार्ड के साथ है, 8GB रैम है, 1TB 4GB ग्राफिक कार्ड, 960 GTX का। अच्छा सही, ये अगर आप देखना चाहें ये भी अच्छा ऑप्शन है। प्रोसेसर i7 है और ये भी HQ है, i7 6th जनरेशन में। अच्छा i7 6th जनरेशन, तो इसमें ग्राफिक कार्ड कौन सा लगा हुआ है? 960 GTX NVIDIA। अच्छा 960, तो इसमें आप बता दें इसका क्वाड कोर है डुअल कोर है? क्वाड कोर में। अच्छा क्वाड कोर है, और कैशे कितने हैं इसमें? वही 8MB कैशे के साथ। और रैम रोम क्या आपको देखने को मिलेगी? 8GB रैम, 1TB हार्ड। तो बाकी आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, एक स्लॉट या फिर दो हार्ड डिस्क के अलग, और हार्ड डिस्क की अलग जी जी सेपरेट है, ये दोनों की सेपरेट है, मतलब कि टाइम हम लोग हार्ड डिस्क भी चला सकते हैं और एसएसडी भी चला सकते हैं। एसएसडी भी दोनों चला सकते हैं। चलो ये तो बेस्ट ऑप्शन है। इसकी प्राइस क्या बताइए आपको? ये आपको पड़ जाएगा 95 का। अच्छा 90, ये थोड़ा बहुत बजट में भी आ जाता है। बिल्कुल, तो ये भी व्यूअर्स एक अच्छा ऑप्शन है, तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। बाकी HP का कोई बता दें, क्योंकि HP की तरफ काफ़ी डिमांड आती है ऑडियंस की यार, मोस्टली आपको पता है एक जो ऑडियंस का माइंडसेट बना ना कि HP ओमन सीरीज होगी, पवेलियन सीरीज होगी, तो इस वजह से ना वो उसका भी काफ़ी अवाम प्रेफर करती है। ओमन 15 इधर बताए ना, ये इधर, ये व्यूअर्स आप ये भी चेक कर लें, HP ओमन सीरीज है, HP की गेमिंग मशीन की सीरीज है। अच्छा ये तो बेसिकली ओमन तो आई गेमिंग सीरीज है, गेमिंग सीरीज है। हां ये HP की ऑफिशियल गेमिंग सीरीज है ये। हां और GTX कौन? 1060 इसका कार्ड लगा हुआ है, i7 7th gen है, 1060 इस पे NVIDIA का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, 1TB हार्ड। अच्छा 8GB रैम है, 1TB हार्ड। और बाकी इसकी और फर्दर आप स्पेसिफिकेशन बता दें, क्वाड कोर है या फिर क्या? लाइट्स है। अच्छा बैक लाइट कीबोर्ड है इसका, बैक लाइट्स के साथ है। अच्छा सही, बाकी आप व्यूअर्स ये भी देख लें, बैकलाइट कीबोर्ड है, जो कि आपको नाइट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, मतलब अगर आप नाइट में कोडिंग वगैरह करते हैं या फिर आप और कोई टास्क परफॉर्म करते हैं ना, देन ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी अभी ये टर्न ऑन भी हो रहा है, तो आप इसमें SSD लगवा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, तो बेहतरीन। अगर आप इसमें चाहते हैं 1TB को माइनस करना चाहें तो इसमें SSD भी आप ऐड करवा सकते हैं। अच्छा ये भी हमारे लिए अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। सही, बाकी अब इसकी थोड़ी फर्दर डिटेल स्पेसिफिकेशन बता देना कि प्रोसेसर क्या है, उसके बाद कैशे वगैरह, रैम रोम। इसमें 8MB कैशे है, सही, 8GB रैम है, सही, 256 SSD है, सही, और डिस्प्ले की क्वालिटी वगैरह, इसमें फुल HD रिजल्ट है। अच्छा हाई डेफिनेशन, और बाकी इसका वेब कैमरा भी मैं देख रहा हूं, 1060 का i7 6th जनरेशन है, वेब कैम इसका हाई डेफिनेशन है, स्पीकर इसकी हाई डेफिनेशन है, सही, ओमन के, या आप इसका साउंड भी चेक कर सकते हैं प्ले करके, और इसकी लुक भी देखें पीछे। हाँ ये बेसिकली आपकी हाई सारी गेमिंग मशीन है, आप इसकी लुक भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कूल लुकिंग लैपटॉप है, स्मार्ट सब। हाँ स्लिम स्टार, और अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेनी है फिर भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि फ्रंट पे आपको वेब कैमरा, गेमिंग भी आप इसमें कर सकते, वेब कैमरा भी आया तो आप इसके लिए। इसके अलावा हमारे पास एक और अच्छा ऑप्शन है i7 6th जनरेशन में, ये तो ASUS का है, ASUS ROG HDMI के साथ, इसमें 1660 का ग्राफिक कार्ड लगा है। ये तो बेसिकली हाई गेमिंग मशीन है ASUS, डिस्प्ले भी इसका, ये बेसिकली हाई प्रोफेशनल गेमिंग मशीन है ASUS के। हाँ जी, इसकी तो अगर आप सही हैवी गेमर है ना, फुल हाई, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। इसका मॉडल बता दें, इसका मॉडल आपको मैं बताता हूँ, i7 6th generation 16GB 256 1TB। अच्छा 1070 का इसका ग्राफिक कार्ड लगा, 1070 GTX 1070 जी, सही हो गया, NVIDIA का, NVIDIA का। और बाकी इसके मैं देख रहा हूँ कि इसके कूलिंग, ये इसके जो है इसके GPU दो फैन है। अच्छा दो फैन, तो अगर आपका ये फुल लाइट वाला है, हाँ अगर आप हैवी टास्क परफॉर्म करें, अगर आपका लैपटॉप हीटअप होए तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा वो मतलब एक कूलिंग प्रोवाइड करेगा, और आपका लैपटॉप हीटअप नहीं होगा, नहीं हो उसके लिए बेस्ट है ये। और बाकी बैकलाइट कीबोर्ड है, और फिर फिंगरप्रिंट स्कैनर है वैसे, इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है। अच्छा फिंगरप्रिंट स्कैनर, इसका स्पीकर ये लगे हैं आउटसाइड, ये दो इसके स्पीकर आ गए, बाकी इसका ये टच पैड आ गए, और ये इसका बैकलाइट कीबोर्ड है सारा, रेड कलर की इसकी बैकलाइट है।
और डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है, 120 हर्ट्ज से फिर 144 हर्ट्ज से, ये 120 हर्ट्ज वाला है। अच्छा 120 हर्ट्ज, तो जो इसका रिफ्रेश रेट है ना वो भी काफी ज्यादा, मतलब अगर आप कोई गेम परफॉर्म कर रहे हैं ना, लाइक अगर आप पबजी खेल रहे हैं तो जो टेक्सचर लोड होंगे ना वो काफी ज्यादा क्विकली होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कोई गेम आप वही ना, फ्रेम रेट अच्छा है ना, 120 हर्ट्ज काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको गेमिंग में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो अगर आप कोई पबजी खेल रहे हैं, फोर्टनाइट गेम खेल रहे हैं ना, जो टेक्सचर लोड होंगे ना वो काफी ज्यादा क्विकली लोड होंगे, तो आपको जो गेम में एक वो लैग सा देखने को मिलता है, रुकावट सा आया था, वो आपको बिल्कुल भी देखने प्रॉब्लम नहीं करेगा। ऊपर से साथ ग्राफिक कार्ड भी इतना स्ट्रांग है, तो बिल्कुल परफेक्ट मशीन। इसकी आप प्राइस टैग बता दें, इसकी प्राइस क्या है वैसे? अगर आपको पड़ेगा 180 का, जो 180 इसमें फाइनल कितने का हो जाएगा? अगर आपके पास कोई ऑडियंस आती है लेने मेरे रेफरेंस से, वो अगर इंशाल्लाह आप आए तो इंशाल्लाह उनको डिस्काउंट अच्छा मिल जाएगा। अच्छा डिस्काउंट आप कर देंगे 5-10% तक। तो अगर ऑडियंस आप मेरे रेफरेंस से आते हैं ना तो आपको 5 से भी ज़्यादा भी कर देंगे, वो आप आ जाएं तो वो कर लेंगे आपके साथ। बट ये कि अगर आप सीरियस बाय हैं तो आप इनकी शॉप विजिट कर सकते हैं। शॉप का नाम बता दें ज़रा, कंप्यूटर जीनियस। कंप्यूटर जीनियस शॉप का नाम है, और किस जगह पे है ये? दुबई उमेर सेंटर में, दुबई प्लाजा उमेर सेंटर में इनकी शॉप है। तो आप विजिट फर्स्ट फ्लोर, हाँ अपर फर्स्ट फ्लोर पे इनकी शॉप है। तो अगर आपको किसी किस्म का भी लैपटॉप चाहिए ना तो वो भी ये देख लीजिए, एक दफ़ा पूरा कलेक्शन दिखा देना आप इनको। बिजनेस सीरीज में आपको फर्स्ट जनरेशन से लेकर 8th जनरेशन तक मिल जाएगा। अच्छा, और ये बाकी एक ये पीछे मैं देख रहा हूँ, ये भी एक पड़ा हुआ डेल का। जी ये भी है, हाँ ये भी दिखा दें, सारा कवर हो जाए सारा गेमिंग की सीरीज। ये हमारे पास एक है 1050 कार्ड के साथ। अच्छा 1050 ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं ना, ये बताया? अच्छा नहीं किया, वो दूसरा वाला। सही सही, तो ये भी एक ऑप्शन है, i7 4GB कार्ड के साथ है, 1050 कार्ड है। अच्छा मुझे एक चीज भूल गई, आपने मॉडल नहीं बताया इन सारे लैपटॉप के, मॉडल जरा काइंडली बता दो जल्दी से, इसका मॉडल बता दें। इसका मॉडल आपको मैं बताता हूँ, Asus मॉडल GL502। अच्छा GL502, और ये ओमन सीरीज का मॉडल कौन सा? HP ओमन 15R। अच्छा 15R, और बाकी ये डेल का एलियन वेयर का, और ये बाकी ये भी डेल का एलियन वेयर है, और एक ये वाला मॉडल है 3573। अच्छा सही है, ये भी इसका इंस्पिरोन सीरीज का है ना? इंस्पिरोन में सही, ये इंस्पिरोन सीरीज का है, गेमिंग का इंस्पिरोन में जो गेमिंग सीरीज आती है ना उसका लैपटॉप है। तो ये इनके पास काफ़ी कलेक्शन अच्छा पड़ा हुआ है, तो इफ़ यू आर अ गेमर तो यार ये ज़रूरी नहीं कि अगर आप गेमर है देन ही आप इन लैपटॉप की तरफ आएँ, ये आप ना आप अगर आपको मतलब कि हाई एंड कोई भी काम करना, प्रोग्रामिंग करनी है, उसके लिए भी हमें अच्छा प्रोसेसर चाहिए होता है, अच्छा GPU चाहिए होता है, तो ये मैंडेटरी नहीं कि अगर आप गेमर है देन आप इन लैपटॉप की तरफ आ सकते हैं। अगर आप कोई हैवी टास्क परफॉर्म करते हैं देन भी आपके लिए ना ये लैपटॉप काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं और आप इनकी तरफ मस्ट आ सकते हैं। तो गाइस बस ये थी आज की वीडियो, मैंने कहा आपको थोड़ा बहुत गेमिंग का बता दूं, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और बाकी इनके पास और भी कलेक्शन काफी पड़ा हुआ है, देख लें, ये देख लें काफी कलेक्शन और पड़ा हुआ है। हां 8GB रैम है, 256 पड़े हैं सारे विद बॉक्स। आप इनकी शॉप ना विजिट कर लें तो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, बाकी मैं जो नंबर है वो भी आपको बता दूंगा, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। तो यार अगर आपको ऑनलाइन चाहिए ना लैपटॉप तो ये सर्विस आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप बस इनको कांटेक्ट कर लें, फ़ोन नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं इस चीज़ को भी। तो यार बस ये थी आज की वीडियो, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो यार अगर आपको ना इस टाइप की और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं और भी बनाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।